तो गाइज मैंने एक चीज मार्क की है कि हमारा जो वेनम है वो कंटिन्यूसली ऊपर फ्लोट होता रहता है। ये ज्यादातर मुझे ऊपर ही दिखता है, ये फिलहाल अभी नीचे नहीं जाता है ज्यादा, तो ऊपर ही देख रहा है अभी भी। देखिए ये ऊपर ही है, तो आज मैं इसका जो वाटर चेंज है वो कर लूंगा। सो हे गाइज, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेट शाला। तो यार आज हम इसका वाटर चेंज कर देंगे, इसने पूप भी कर दी है तो मुझे इसको क्लीन भी करना है। और आपको बताया था मैंने कि इसमें थोड़ा जो ड्रिफ्ट उड का टाइनिंग है वो उतर चुका है, तो इसका जो आज क्लीनिंग करने वाले हैं वो देखेंगे और देखेंगे कि ये नीचे जाता है या नहीं, इसका अपडेट आपको पता चलेगा ही क्योंकि डेली ब्लॉग्स आते रहते हैं हमारे। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि वाटर चेंज करने के बाद ये नीचे जाके बैठता है या नहीं। तो चलिए फटाफट से इसका जो वाटर चेंज है वो कर लेते हैं। ये देखिए कितने फास्ट ड्रेन होता है ये, और मैंने इसका ड्रिफ्ट उड भी निकाल दिया है क्योंकि क्लीन करने में आसानी होती है। तो एकदम हल्का सा पानी मैं इसमें रखूंगा जिसमें हमारा जो एक्सलॉट है वो बैठ सके, तो इतना काफ़ी है। तो देखिए मैंने इतना पानी रखा है अभी जिसमें कि हमारा एक्सलॉट आराम से बैठ सक रहा है पा रहा है। तो चलिए अब मैं इसका जो पानी है वो भर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है, मुझे इसका वाटर चेंज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हो इसका पानी अभी मैंने चेंज कर दिया। तो चलिए अभी इसमें ड्रिफ्ट उड ऐड करते हैं। तो ये देखिए कितने इजीली ये सिंक हो गया है, और आप देख सकते हो कि हमारा एक्सलॉट जो है वो भी नीचे जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर इसका पानी खराब हो जाता है तो ऐसे ही कंसिडर करके चलेंगे कि इसका पानी खराब होने के बाद ये बस फ्लोट होता रहता है, तो हम उसका पानी चेंज करते रहेंगे। तो ये रहे हमारे जिग जैक और कॉटन, ये रहा जिग, ये जैक और हमारा कॉटन। तो इनका सेटअप हम जल्द ही तैयार करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उनका सेटअप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो वीडियो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इनका सेटअप हम जल्द ही बनाएंगे। तो देख सकते हो हमारे नन्हे मुन्ने टर्टल्स, जो हमारे बड़े टर्टल्स थे उनको तो हमने पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया है जैसे कि आपने देखा ही, और अभी इनको शिफ्ट करना बाकी है तो इनको भी हम जल्द ही शिफ्ट कर देंगे। तो बस उसका जो टैंक है वो क्लीन करना बाकी है, बस उसका पानी निकालना है, उसके बाद हम इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो बड़ा वाला ड्रिफ्ट फूड है वो निकाल दूँ, तो चलिए मैं टैंक के नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो गाइस और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको क्या है ये पता है, इसमें हमारा स्ट्रिंग है जो कि मेरा चाको गोल्डिन नी टेरेंटुला है। तो यार एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ इसमें है अभी, तो इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा एंड में देखेंगे। तो चलिए बाकी काम करते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये रहा वो सेटअप जहाँ पे हम हमारे जिगजैग और कॉटन को शिफ्ट करने वाला है। तो ये ड्रिफ्ट रूट मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकाल दूँ क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा टाइनिंग छोड़ रहा है। जो हमारे पास छोटे छोटे ड्रिफ्ट रूट्स हैं वो दो तीन इसमें डाल देंगे तो वो आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसे हैं वो बड़े वाले जो हमने उनके पहले वाले एनक्लोजर में डाल दिए थे, तो वो इसमें डाल देंगे और उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे या बांध देंगे ऊपर ताकि वो नीचे सिंक ना हो, जिससे कि इसमें ज़्यादा स्पेस भी बनेगी और ये टैंक जो है वो गंदा नहीं होगा। यार आज बहुत ही ज़्यादा बारिश है इसीलिए मैं हमारा जो टैंक है उसको क्लीन नहीं कर पा रहा हूँ। यार ये क्या है, ओहो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाला था गाइस मकड़ी का, तो लिटरली वो बाल जैसे मेरे पैरों पे फील हुआ। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि यार मैं इसको सील क्लीन नहीं कर पाया, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मैंने ट्राई किया है इसको क्लीन करना तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर फिनिशिंग में काम करना है, बारीक बारीक काम करना है। तो अगर हो सके तो मैं इसका ग्लास ही चेंज कर दूंगा, अगर नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ दूसरा रखेंगे या फिर टर्टल्स के लिए सेटअप बनाएंगे या फिर आगे जाके कोई भी नया पेट हो उसके लिए हम ये सेटअप बना सकते हैं। कोई भी हैमस्टर्स होंगे या ऐसे कुछ रैबिट्स होंगे, ऐसी कुछ चीज़ होगी तो उसके लिए हम सेटअप बना देंगे। तो ये रहे हमारे टर्टल्स, हमारा मेल टर्टल का आ गया। यार ये हमारा निंजा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा, हाँ दिख गया। तो यार हमारा सेटअप भी अच्छे से सेट है अभी, तो इसको अभी बस ढकना है क्योंकि ये मैंने जानबूझ के खुला रखा था, तो अभी इसको ढक देंगे हमारे उस ग्रीन कपड़े से। तो चलिए मैं इसको ढक लेता हूँ, आपको बोर नहीं करूँगा, तो पहले मैं इसको ढक लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले ये देखिए हमारा सेटअप किस तरीके से दिख रहा है, और ये क्या चीज़ है भाई, इन्होंने कहाँ से पत्थर निकाला। ये देखिए गाइस अभी भी इसमें थर्माकोल गिर रहा है, इसका मतलब चूहे
बिल्कुल मेरा डाउट जो है वो सही है, क्योंकि थर्माकोल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो यार किसी भी हाल में मुझे ट्रैप जो है वो लाना ही पड़ेगा यार। मैं हर बार भूलता हूँ ट्रैप लाना, लेकिन इस बार मैं नहीं भूलूँगा, मैं 100% ट्रैप लाऊँगा ही लाऊँगा। तो हमारे टर्टल्स आप देख सकते हो कि हेल्दी है, वाटर लाइन थोड़ी ड्रॉप हुई है ऐसे लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि जो वॉल्स है उसने भी वो जो वाटर है वो खींच लिया होगा, क्योंकि इसमें जो है वो फोम है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे। और बारिश की वजह से तो मुझे पता ही नहीं चलने वाला है कि इसमें लीकेज है या नहीं है, क्योंकि यार ऑलरेडी पानी है और हमारा जो ऑडियंस है वो आ चुका है, हमारा सब्सक्राइबर, और ये भागा। तो यार हर टाइम ये मैं ऊपर आता हूँ तो आता ही रहता है। तो इसका भी नाम क्रॉक्स रखेंगे, क्रॉक्स ही रखेंगे, क्योंकि यार ये सारे कौवे एक जैसे ही है, तो क्रॉक्स ही रखेंगे इसका नाम। और अभी मैं इसको ढक लेता हूँ, चलो ढकते हैं। यार मैं इनका डब्बा कल यहीं पे भूल गया, तो मैंने इनको अभी फीड भी डाल दिया है। तो ये देखिए हमारी सिमरिन बहुत मस्त तरीके से खा रही है, इसीलिए मैं रुक गया अभी इसको ढकना, और बस उसी को देख के एंजॉय कर रहा हूँ। यार ये जाली फोकस होती है, नहीं तो यार बहुत मस्त लगता है। ये देखिए अभी नहीं फोकस हो रही है, तो कैसे दिखता है देखिए टैंक हमारा, पॉन्ड जो है, और फिशेज भी सारे हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो छोटी छोटी गंदगी की है वो तुरंत अभी नीचे दिखने लगी है। तो कोई बात नहीं, इससे हमारे पॉन्ड को फ़ायदा ही होने वाला है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया इजीली बनेगा। तो चलिए अभी ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, हमारे पॉन्ड को ढक लेता हूँ। यार आप सब कुछ चेक कर लिया, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो देखना है तुम्हें देखना है सरप्राइज़ क्या है। अरे सो क्यों रहे, नहीं देखना, शायद इसको नींद आ रही है। तो मैं हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज़ दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस सरप्राइज़ देखते हैं क्या है। तो फाइनली गाइस वो घड़ी आ चुकी है, वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी एक विंडो के नज़दीक खड़ा हूँ, क्योंकि वो सरप्राइज़ जो है वो विंडो के नज़दीक ही हमारा जो स्ट्रिंग है, स्लिंग है, वो बहुत ही अच्छे से दिखेगा, और एक सरप्राइज़ है वो दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि ये है हमारे स्ट्रिंग का सेटअप, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और खोलने के बाद ही आपको वो सरप्राइज़ पता चलेगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। ओ यार ये देखिए गाइस हमारा सरप्राइज, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या सरप्राइज है। ये है हमारा नया टेरेंटुला, और वहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सरप्राइज है हमारा। आप देख सकते हो कि इसके मार्किंग भी है, वो अभी ब्लैकिश दिख रहे हैं, और हमारा स्ट्रिंग और भी अभी भी नॉर्मल है। तो जी नहीं गाइस ये हमारा स्ट्रिंग ही है, तो आप देख सकते हो कि यार कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना ऑसम दिख रहा है, और इसके कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिख रहे हैं यार। यार टबिया तो यार ये देखिए कितना प्रीटी दिख रहा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिख रहा है। इसने मोल्ड किया है गाइज ये हमारा स्ट्रिंग पुराना वाला, अब देख सकते हो साइज़ में कितना फ़र्क है। और इसको मैंने कल फीड डाला था, परसों डाला था, लेकिन उसने खाया नहीं है, और आप देख सकते हो कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर अभी कलर में आने लगा है, और अभी जो नेचुरल कलर जो उनका होता है, उनकी नीज़ गोल्डन कलर की होती है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कि गोल्डन कलर की नीज़ उसकी आने लगी है। और ये देखिए गोल्डन नीज़ उसकी, यार फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ अभी देखिए, और उसकी जो ब्लैकिश कलर है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यार। कैमरा में इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने सामने वो इतना प्रॉपर दिख रहा है गाइस, ट्रस्ट मी यार, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हुआ इसको देख के कि बस क्या बताओ, क्योंकि ये अभी इसके प्रॉपर कलर में और शेप में आने लगा है। तो गाइज आपको कैसा लगा ये सरप्राइज, मैं भी खुद सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा स्ट्रिंग जल्द ही मोल्ड करने वाला है, तो इसने मोल्ड कर दिया है। आप मोल्ड की साइज़ भी देख सकते हो कितनी छोटी है, और अभी उसकी साइज़ देख सकते हो कि कितनी बड़ी हो चुकी है। जैसे ये मोल्ड करते हैं इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये देखिए इतना फ़र्क है। तो इसीलिए इसने इसको नहीं खाया है, और मैंने मुझे लगा ही था कि ये नहीं खाएगा, क्योंकि इसकी बैक जो है वो थोड़े हेयर्स अभी दिख रहे हैं, वो देखिए इसके बैक के ऊपर बहुत प्रॉपर हेयर्स है, तो वो जब जब कम हो जाते हैं तो वो मोल्ड करते हैं। तो मुझे अंदाज़ा आ गया था कि ये मोल्ड करने वाला है, और वही हुआ, और ये इसके ओरिजिनल कलर में अभी आने लगा है। जो उसका ब्राउन कलर था वो अभी गया है,
और ये ब्लैकिश होने लगा है। ये देखिए यार, आप थक जाओगे लेकिन मैं बोर नहीं होऊंगा दिखाते दिखाते, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। लेकिन इसमें ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने सामने जो इसका कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।